कई ऐसिया चैरिटेबल हस्पताल होंगे जिथे तुहानू फैसिलिटियां मिलदियां होंगियां, लेकिन मल टाउन बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे नाल शहीद बाबा दीप सिंह एक चैरिटेबल हस्पताल खुलिया जिथे सिर्फ 50 रुपईयां दी पर्ची दे विच तुसी अपने इलाज करा सकते हो, टेस्ट करा सकते हो। असी जाने असी देखते हैं कि DMC जाने CMC जाने किवें उत्थे लोकी वेट कर रहे होंगे थल्ले चादरां विछा के किसी इलाज नहीं मिलता उत्थे, ते लग्या कि हॉस्पिटल की लोड़ है और हॉस्पिटल इदा का हो चैरिटेबल बेस से हो। जे देखा जाए डेंटल से देखो किनिया फैसिलिटीज़ है, यह मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, ये नीरो की फैसिलिटीज़ है, यह लैब फैसिलिटीज़ है। हुण तुसी देखो कोई भी 50 रुपए की स्लिप बना के आके किसी भी डॉक्टर को आके दिखा सकते हो किन्ने माहिर माहिर डॉक्टर है। पर देखा वो DMC के बाहर किवें चादर से लोग बैठे होंगे दो दो दिन की वेट कर रहे होंगे, मीह होवेरी होप हो छां हो वेट कर रहे होंगे। हम देखो इतने वो सिस्टम तो एक चंगा इलाज तो मिलेगा। वधिया तो वधिया असं इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, वधिया तो वधिया डॉक्टर का मेरे ना डॉक्टर साहब ने सिविल सर्जन रिटायर हुए कपूरथले तो, दूसरे डॉक्टर साहब ने वो भी सिविल सर्जन रिटायर हुए थे, चंगे डॉक्टर का जेडे कि सही मेहनत सेवा कर सकन उन्होंने असं जोड़िया। 50 रुपए फी जी है शुगर का टैस्ट जोड़ा वो 50 रुपए हूँ तो असं इतने 15 रुपए करा 10 तो 15 च है। जोड़े लिवर फंक्शन टैसट असं 150 रुपए कर देना, किडनी के टैसट असं 150 कर देने हैं, ठीक है नी। 50 रुपए की पर्ची है, 50 रुपए मेडिसिन के डॉक्टर दिखा के उसके डेंटल वाले डॉक्टर न्यूरो वाले डॉक्टर दिखा के, इस तो अलावा जे कोई बिल्कुल ही गरीब है तो असं उदो फ्री सारा कुछ करा। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं विशाल कपूर। बेशक कई ऐसिया चैरिटेबल हस्पताल होंगे जिथे तुहानू फैसिलिटियां मिलदियां होंगियां, लेकिन मल टाउन बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे नाल शहीद बाबा दीप सिंह एक चैरिटेबल हस्पताल खुलिया जिथे सिर्फ 50 रुपईयां दी पर्ची दे विच तुसी अपने इलाज करा सकते हो, टेस्ट करा सकते हो। एक खूबसूरत तस्वीर उस शहीद बाबा दीप सिंह चैरिटेबल होस्पिटल की है जिदा अज इनोग्रेशन हैगा, जिथे अज तमाम जिहड़े ने कई डॉक्टर भी इत्थे पहुंचे ने। उस तो बाद आउंदा जी गजेंद्र सिंह शिकावत जिहड़े हैगे ने जल शक्ति जिहड़े मंत्री हैगे ने, उत्थे विशेष तौर पर कुछ देर बाद पहुंचणगे ते इस इनोग्रेशन जिहड़ा करनगे हस्पताल की। हस्पताल की खासियत की हैगी है, हस्पताल की खासियत बारे भी गलबात करांगे जरूर जिहड़ी गलबात करांगे, लेकिन तुहानू उह तस्वीर दिखा दईए। खूबसूरत तस्वीर है, जो तुसीं आना भी होवे ते इधरली साइड बाबा दीप सिंह दा गुरद्वारा साहब है, तुसीं आ तस्वीर देख सकते हो कि मारल टाउन के बाबा दीप सिंह का गुरद्वारा साहब है। गुरद्वारा साहब के नाल ही एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के थोड़ा जि अगे आओगे तो राइट साइड पर जोड़ा शहीद बाबा दीप सिंह जी का जोड़ा हस्पताल जोड़ा नज़र आऊगा। यह तस्वीर तुम्हें इस करके दिखाई जा रही हैं। सुखविंदर सिंह बिंद्रा साढ़े मौजूद है, गलबात करते हैं की सोच आई सर? सोच देखो सोच आई यूथ में असं किमें डिवेलप कर सकते हैं। असी जाने असी देखते हैं कि DMC जाने CMC जाने किवें उत्थे लोकी वेट कर रहे होंगे थल्ले चादरां विछा के किसी इलाज नहीं मिलता उत्थे, ते लग्या कि हॉस्पिटल की लोड़ है और हॉस्पिटल इदा का हो चैरिटेबल बेस से हो। देखो कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते 1000 रुपया फीस कोई डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर सकता, कोई 500 रुपया भी कोई नहीं कर सकता, तो इतने की है कि 50 रुपए की फीस है। 50 रुपए बिंद्रा साहब की फैसिलिटियाँ दोगे इस हस्पताल के? देखो 50 रुपए जो देखा जाए तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, कार्ड दिखाइए जी। जे देखा जाए लाली जाओ, जे देखा जाए डेंटल से देखो किनिया फैसिलिटीज़ है, यह मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, ये नीरो की फैसिलिटीज़ है, यह लैब फैसिलिटीज़ है। हुण तुसीं देखो कोई भी 50 रुपए की स्लिप बना के आके किसी भी डॉक्टर को आके दिखा सकते हो किन्ने माहिर माहिर डॉक्टर है साढ़े नाल खड़े है। देखो बहुत वड्डी गल है कि जे सारे इत्थे कट्टे, सति श्री अकाल जी। तो इत्थे साडा सारे दा देखो ये टीम सारे दा यही उपराला है कि लोगों को एक चंगी सेवा मिले, क्योंकि असी अक्सर जा DMC तुसी भी गए होगे मेरे ख्याल, माता जी भी गए हो, आप देखा होगा DMC के बाहर किवें चादर से लोग बैठे होंगे दो दो दिन की वेट कर रहे होंगे, मीह होवेरी होप हो छां हो वेट कर रहे होंगे। हम देखो इतने वो सिस्टम तो एक चंगा इलाज तो मिलेगा, इलाज नाल एयर कंडीशनर बना दिता वा, लेकिन हुण जिहड़ा लोग जिहड़े मरीज जिहड़े होणगे सहूलतां भी लै पाणगे। दिमाग च की कंसैप्ट की सीगा बिंद्रा साहब? देखो मैं जा यूथ का महकमा सी, मैनूं सी कि आपां यूथ नूं प्रमोट करिए, चाहे स्पोर्ट्स महकमा उन्हां नूं फ्री किट्स दित्तियां, स्टेडियम बनवाए। हुण देखिया कि भी मैडिसन की लोड़ है, हॉस्पिटल पेशेंट्स की डॉक्टरां की लोड़ है। हुण दो ही चीज़ां चलदी है, जे चंगी एजुकेशन दे सकदे आं जां आपां हैल्थ दे सकदे आं। एजुकेशन भी देती है, मेहर होगी तो असं उत्थे भी जरूर कुछ ना कुछ कुछ टाइम के बाद असं सारे मिलकर करा। डॉक्टर साहब की खासियत
खास की रहेगा इस समय बिंद्रा साहब का नाल है अलास दे विच कोई दिक्कत परेशानी जिदा किसी पेशेंट नु असीं ने हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स रखी है ते लो कॉस्ट जे रखिया जिवें आपां नॉर्मल प्राइवेट क्लीनिक चल जाए उत्थे जिवें आ रूट कनाल ला लो तो 3500 चार्ज आ इत्थे ओहीओ फैसिलिटी उहनां नाल बैटर स्टरलाइजेशन रखी है असी उस स्टरलाइजेशन रखिए शायद कोई पंजाबी जो यूनिट नहीं होना प्राइज स्पैशली इन चैरिटेबल हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन का वो सिस्टम रखे असी बी ग्रेड सब तो वधिया तो असी सारी जिहड़ा इलाज है बहुत मिनिमम रेट से दे रहे हैं तो बेस्ट इलाज दे रहे हैं असी डॉक्टर साहब को मेडिसन के डॉक्टर की किदा रहेगा इस हस्पताल का खासियत की रहेगा गल ये भी असी तो उपराला किया कि सस्ता तो वधिया इलाज चंगे तो चंगा जिहड़ा वो दे सकीए मैं DMC तो मैडिकल स्टूडेंट रिटायर होया तो इन्हों के नाल जुड़े तो इन्होंने कहा मैं इन्होंने कहा भी दसिया इन्हों कि किवें आप सस्ता तो वधिया इलाज कर सकते हैं वधिया तो वधिया असी इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वधिया तो वधिया डॉक्टर था मेरे नाल डॉक्टर साहब ने सिविल सर्जन रिटायर होया कपूरथले तो दूसरे डॉक्टर साहब ने वो भी सिविल सर्जन रिटायर होया सी चंगे डॉक्टर का जेडे कि सही मेहनत सेवा कर सकन उन्होंने असी नाल जोड़िया सिविल सर्जन रिटायर होए ने अज वो भी तालमेल कर रहे ने तुसी DMC तो सुपरिटेंडेंट सी ते तुसी भी तालमेल कर हाँ जी इसे करके कर रहे हैं कि एक वधिया वधिया सेवा देईए क्योंकि सानू पूरी लाइफ का तजर्बा है 35-40 साल का तजर्बा तो उत्थे यही चैरिटेबल सीगा वो छिल ला लैंदा सीगा लेकिन इत्थे छिल नहीं लाई जाएगी नहीं छिल नहीं इत्थे लाई जानी इत्थे असी ते इह कहांगे कि उहदे नालों चौथा हिस्सा कि असी दसवें हिस्से चो ही कम करांगे मेडिसिन दे डॉक्टर नूं दिखाणगे डेंटल डॉक्टर न्यूरो वाले डॉक्टर नूं दिखाणगे इस तों इलावा जे कोई बिलकुल ही गरीब है तो असीं उहदा फ्री सारा कुछ करांगे डेफिनेटली जी मतलब देखो मैनेजमेंट करेगी यह साढ़े वालों सुजैसट किया गया सी जिस किसी को पैसे भी नहीं है तो उनका फ्री इलाज होगा जे कोई 50 रुपए की पर्ची भी नहीं है जे कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो इत्थे आके अपना डेंटल का भी दिखा सकता मेडिसिन भी दिखा सकता न्यूरो का भी दिखा सकता और जिवें जिवें इत्थे डिपार्टमेंट्स एक्सपैंड होंदे रहणगे उन्हां दे विच भी आके दिखा सकता सो चैरिटेबल मीनस कि प्योरली चैरिटेबल बेस होना चाहिए ए नहीं कि बई और अगो जो हम दवाइया दे कैमिस्ट स्टोर खुलेगा वो भी एक प्रॉफिटेबल नहीं होएगा जो रेट्स आन के पिछों उ रेट्स अगो दिता जाएगा जेनरिक दवाई दे विच कोई फर्क होंदा सर जेनरिक असी मोस्टली जेनरिक मेडिसिन ही रखांगे जेनरिक मेडिसिन जिहड़ियां ने वधिया कंपनी दी आंदी है जिवें सिपला दी मेडिसिन है सिपला दी एक आंदी है फिर कमर्शलाइज दूसरी कि जेनरिक आंदी है जेनरिक मेडिसिन जिहड़ी है उहदा रेट 25% 30% होंदा सिपला दी सन फार्मा दी सारे जेनरिक बनाउंदे आ असी जेनरिक इत्थे करांगे वध तों वध जेनरिक मेडिसिन देईए ते उहदी उही मेडिसिन दीवां दे जिहड़ियां कि स्टैंडर्ड कंपनी दीआं साथ की रहेगा तुसीं वी अज विशेष पहुंचे हो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मैं तो सिर्फ इन्ना ही कहना चाहवांगी कि बाबा दीप सिंह जी शहीद जो गुरुद्वारा साहिब है उस वालों साड़ी प्रबंधक कमेटी जो इंतजाम कर रही है बड़े ही सोहने अते सुचजे ढंग दे नाल प्रबंधक कमेटी सारा कुछ कर रही है इत्थे सानू बड़ा माण है सानू बड़ी तरक्की मिली है कुछ सालों के विच ही गुरुद्वारा साहब दे विच उस तो बाद जदों असी सुनिया कि होस्पिटल साहब खुल रहा है तो मन नू बड़ी खुशी होई कि कई इस तरह के आंदे सी इत्थे संगत आती सी कहती सी कि असी इलाज नहीं करवा पा रहे साढ़े को पैसे की कमी है तो असी मैनेजमेंट को भेजते सी उन्होंने उदों भी वो लोग जो है मैनेजमेंट है बाहरों उन्हों का इलाज प्रोपर करवाते पर फिर उन्होंने दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी ही फैसिलिटी इतने पैदा कर ली जाए इस तरह जदों सानू पता चलिया इन्होंने सहज पाठ करवाया बीबिया को इतने तो असी आए सानू एक इस तरह लग्या कि 5-star होटल के आ गया वाहिगुरु जी की फतेह साढ़े जिनी भी प्रबंधक कमेटी है मैं तय दिलों धन्यवाद करती हाँ उन्हों का कि सानू कोई भी प्रॉब्लम आती है असी उन्होंने जाके शेयर करते हाँ साड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नालों नाल ही निकल जाता है बस मैं इन्ना को कहती हुई अपने लफ्जा संकोचती हुई खिमा की जाचक अजय कुछ ज़्यादा कह गई होव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह थोड़ी देर तक जे इतने शेखावत साहब जो पहुँच रहे हैं जल शक्ति जे मंत्री साहब ने केंद्र के वो जल्द इतने पहुँचे तो उस रूबरू होवे क्योंकि तुम दस दिए लुधियाना शहर के मॉडल टाउन इलाके गल की है बाबा दीप सिंह जी का गुरद्वारा साहब है उन्होंने नाम के उत्ते ही जी जो हस्पताल जो रख्या गया पिछले देख सकते हो शहीद बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल हस्पताल
चैरिटेबल का मतलब होंदा है जिथे बिल्कुल ही घट रेटा दे विच जिहड़ा वह सहूलत मिलन जिहड़ियां सहूलत जिहड़े पेशेंट नूं चाहीदियां होंदियां ने। असीं तां आई दवावां करांगे कि सारे लोग जिहड़े ने सही रहन, सेहत उहनां दी तंदुरुस्त रहे। शिकावत साहब आणगे तां उहनां नाल जरूर गलबात करदे हां। इत्थे पहुँचण दे उत्ते इनोग्रेशन करन आए ने ते की उहनां नूं खास ते मिलिया? बाबा दीप सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस तरह का विशाल व्यक्तित्व और चरित्र बाबा दीप सिंह जी का था, जिस तरह से समर्पण के भाव को लेकर के उन्होंने अपने आप की शहादत दी है, आज चैरिटेबल ट्रस्ट उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के उन्होंने समाज के सामाजिक सरोकार को लेकर के जो विभिन्न विषयों पर ये काम कर रहे हैं उसकी श्रृंखला में एक नए अस्पताल की शुरुआत की है। ये अस्पताल सामान्य साधारण व्यक्ति को चिकित्सा की सुविधाएं बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर देते हुए लोगों को उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से सुविधा प्रदान करने वाली है। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं और आदरणीय सुखबिंदर बिंद्रा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका भी अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इस पुनीत काम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने मुझे आप सबके बीच में आकर आमंत्रित कर आप सबसे मिलने का और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। गजेंद्र सिंह शेखावत जिहड़े ने जल शक्ति दे जिहड़े मंत्री ने उत्थे पहुँचते हैं, पहुँचने बाद जिहड़ा हस्पताल नूं वधाइयां भी देंदे ने, लेकिन वो ज़्यादा गलबात नहीं करते हैं, लेकिन हस्पताल वास्ते वधाई देंदे क्योंकि हस्पताल जिहड़ा है लोगों की उस जिंदगी नाल जुड़िया होया जिथे इलाज जिहड़ा सस्ता हुंदा वै। लुधियाणा कैमरामैन संजय सेतिया दे नाल मैं विशाल कपूर, लुधियाणा लाइव।